हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। यहाँ पर आपको सारी फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी अपडेट, न्यूज अपडेट एंड जॉब अपडेट मिलती रहती है। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर करें, जिससे कि आप अपडेटेड रह सके। तो आज हम बात करने वाली हैं नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आई हुई फार्मा कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी की। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ रहने वाली है अपॉर्चुनिटी जो कि आई हुई है CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस वेबसाइट में जाना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रोजेक्ट पोजिशन में आपको जाना होगा। पहले PDF यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा वॉक इन इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इसे आपको क्या कर लेना है, इसे ही आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म है और जो एडवर्टाइजमेंट है, इसे आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। देखिए, तो इस प्रकार से जब PDF ओपन हो जाएगी, यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग ये जो एडवर्टाइजमेंट में आई हुई है फील्ड असिस्टेंट की, ठीक है। जहाँ पर देखिए कौन से जो स्टूडेंट हैं वो रहने वाले हैं एलिजिबल की बात करें हम लोग, यहाँ पर फील्ड असिस्टेंट की दी गई है। पहले डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं एरिया क्या रहने वाला है, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। फार्माकोग्नोसी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एरिया रहने वाला है। इट मीन्स फार्माकोग्नोसी से फील्ड वाले हैं, जो बहुत अच्छा रहेगा ये। तो ये क्या है, फील्ड असिस्टेंट की है और ये ग्रेजुएशन इन साइंस या फिर फार्मेसी में ग्रेजुएशन आपने किया है। इट मीन्स बी फार्मा के भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहने वाला है, क्योंकि ग्रेजुएशन ही यहाँ पर बोला गया। इट मीन्स बी फार्मा के कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाला है और वर्क क्या रहेगा, फार्माकोग्नोसिस के रिगार्डिंग यहाँ पर वर्क रहने वाला है, ओके। और इन्हें नॉलेज क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इनके मेडिकल प्लांट और रॉ ड्रग है, जो फार्माकोग्नोसी में बेसिक हम स्टडी करते ही हैं, रॉ ड्रग्स के बारे में और जो मेडिसिनल प्लांट है उनके बारे में हम स्टडी करते ही हैं, ठीक है। अब क्या कुछ रहेगा, यहाँ पर स्टिपेंड देखेंगे तो यहाँ पर 20,000 रहने वाला है। एज लिमिट तो अच्छी खासी दी गई है यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 50 ईयर तक की एज लिमिट दी गई है। तो मीन्स एज की तो कोई बाउंडेशन है ही नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ओके। यहाँ पर पे स्केल भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ पोस्ट की बात करेंगे तो 2 पोस्ट यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। और प्रोजेक्ट का जो नेम है उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, फार्माकोग्नोस्टी के रिगार्डिंग ही दिया गया है, ओके। और ये जो मेनली 1 पोस्ट है वो फार्माकोग्नोस्टी की है, देन ये जो अदर है वो दूसरे सब ब्रांच के रहने वाले, ठीक है। पहले हम ये लोग बात करें यदि फार्मा की, तो हमारे लिए यही है जो कि है फील्ड असिस्टेंट की, ठीक है। फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट फार्मा कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। अब क्या कुछ रहने वाला है, इंटरव्यू डेट वेन्यू इनकी बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर एरिया और आपका दिया गया है यहाँ पर इंटरव्यू डेट, ठीक है। तो क्या है इंटरव्यू डेट, जो कि 18/12 रहने वाला है। 18 दिसंबर को आपका इंटरव्यू डेट रहेगा, जो कि होगा 11 AM में, ठीक है। 11 AM में रहने वाला है। वेन्यू क्या कुछ है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से लखनऊ में ये जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है, जो CSIR के अंडर है, वो कहाँ है, लखनऊ में प्रेजेंट है। वहीं आपका क्या होने वाली है, लखनऊ में ही आपकी इंटरव्यू रहेगी, ओके। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है रहने को, ठीक है। तो यहाँ पर जरूर आप कर सकते हैं, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि है कहाँ, लखनऊ में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जरूर से एप्लीकेशन फॉर्म देख लेंगे और इसे फिलअप कर देंगे। इंटरव्यू है जो आपकी, वो कब है, 18 को रहने वाली है। अब टर्म्स है जो भी, उनको आप जरूर से एक बार रीड आउट कर लेंगे। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, जरूर से पॉइंट टू पॉइंट इसको स्टडी कर लीजिएगा, कोई चीज़ छूटे ना। इसके लिए आप ज़रूर से एक बार PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं इसी प्रकार के अपडेटेड न्यूज़ के साथ। बने रहिए GDC फार्मा जॉब्स के साथ।